हमीरपुर में यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों पर अब सॉरी बोलना महंगा पड़ रहा है, क्योंकि यातायात नियमों को लेकर हमीरपुर में आईपीएस आकृति शर्मा ने एसएचओ का पदभार संभालते ही वाहन चालकों को सुधारने का जिम्मा उठा लिया है। साथ ही नशे के कारोबारियों पर भी आईपीएस आकृति की औचक छापेमारी कर मुहिम छेड़ने से हड़कंप मचा हुआ है। हमीरपुर बाजार में दिन के समय बन वे उल्लंघन, बिना कागजात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के चालान काटे, साथ ही सीनियर सेकेंडरी बाल स्कूल के सामने नियमों की अवहेलना करके नशे का सामान बेचने वाले दुकानदारों पर भी जुर्माना ठोका। आईपीएस आकृति शर्मा ने बताया कि नशे के कारोबारियों को कतई नहीं बख्शा जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों के आसपास भी दुकानों में दबिश देकर तलाशी की जा रही है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि अपने बच्चों को नशों से दूर रखने के लिए पुलिस का सहयोग करें। बता दें कि आईपीएस आकृति ने गत कुछ दिन पहले ही हमीरपुर में प्रोफेशनली प्रक्रिया चलाते हुए एसएचओ का पदभार ग्रहण किया है। आईपीएस आकृति ने हमीरपुर में लेडी सिंघम की तरह दिन और रात के समय छापेमारी करके गैर कानूनी कामों में शामिल लोगों के मनों में खौफ पैदा कर दिया है। लोगों ने हमीरपुर में ड्रग अब्यूज का बहुत ज्यादा प्रचलन है, तो इसके लिए पुलिस की एक प्राथमिकता है। मैंने यहाँ पर एज एसएचओ ज्वाइन किया है, तो मेरी ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं इनको हम अवेयरनेस दिलाएं कि ऐसा ये कुछ इसमें ना इन्वॉल्व हो। तो हम जो ये चिल्ड्रन पार्क है, डीसी रेजिडेंस के अराउंड जो एरिया है, जो जंगल है, एनआईटी हमीरपुर के ऊपर जो जंगल है, वहाँ पर हम डेली पेट्रोलिंग कर रहे हैं और लड़कों को पकड़ भी रहे हैं। तो आपके माध्यम से मैं जो भी ये हमारे यूथ हैं जो ड्रग अब्यूज़ करते हैं, इनके पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अपने बच्चों पर नज़र दें, वरना कल को उन्हीं को सबसे ज़्यादा मुश्किल आने वाली है। और दूसरा, हमारा एक ड्राइव चला हुआ है जिसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के आसपास जितने भी शॉपकीपर्स हैं उनकी हम रेगुलरली चेकिंग कर रहे हैं कि वहाँ पर कोई भी बीड़ी सिगरेट या कोई भी नशा का पदार्थ जो है वो ना मिले। तो इसके लिए हम लोगों ने कुछ शॉप्स में जाके पकड़ा भी है और हम कोटपा के अंडर चलान भी कर रहे हैं। तो इस आपके माध्यम से मैं हमीरपुर की जनता से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें। ये ड्रग अब्यूज़ जो है ये हमारी सोसाइटी के लिए एक अभिशाप है, तो एज अ पेरेंट आप अपनी ड्यूटी जरूर करें। युवाओं के बाद ज्यादा जो हम पकड़ रहे हैं वो सूखी भांग है, जिसको ये बीड़ियों में भरकर पी रहे हैं और सिरिंजेस में भरकर भी ड्रग अब्यूज़ किया जा रहा है, और बाकी स्मैक का भी हमने कुछ पाया है यहाँ पर। तो ये सबसे ज्यादा यहाँ पर यहाँ पर हमारे पास ड्रग पेडलर्स हैं जिनको हमने हाल ही में पकड़ा भी है, और हमारी नज़र है कि ये पीछे से कहाँ से इनकी सप्लाई हो रही है, तो उसके ऊपर हम पुलिस पूरी प्राथमिकता देते हैं। थैंक यू।